नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाअष्टमी आज, सीएम नीतीश पहुंचे पटन देवी शीतला मंदिर की पूजा अर्चना की। पटना के गांधी मैदान में रावण वध को लेकर डीएम एसएसपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। आरपीएस सिंह का नीतीश सरकार पर हमला, बोले बिहार में केवल हत्या लूट और डकैती। सीएम नीतीश पर फिर भड़के चिराग पासवान, बोले जदयू जीरो पर होगी आउट। केके पाठक का नया आदेश, पढ़ाने में कमजोर शिक्षकों को ऐसे करेंगे ट्रेंड। बिहार में कई जिलों में भूकंप, पटना समेत कई इलाके में झटके। लोकसभा चुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतारेगा जनसुराज, पीके का बड़ा ऐलान। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के बचे हुए रिजल्ट भी किए जारी, यहां करें चेक। बिहार में डेंगू का कहर जारी, 337 नए मामले आए सामने, पटना में 177। पटना में हुए महिला कांस्टेबल की हत्या मामले में नया मोड़, डायरी ने किया बड़ा खुलासा। अब खबरें विस्तार से। आज महाअष्टमी के दिन माता के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। 9 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में भक्त माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार की सुबह पटना सिटी स्थित पटन देवी और शीतला मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दरबार में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। 24 अक्टूबर को गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम होना है। इस आयोजन के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए अलग अलग विभागों द्वारा तैयारी की जा रही है। आज खुद पटना के डीएम और एसएसपी ने जिले के कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी की। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने कहा कि रावण वध कार्यक्रम 2023 के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारियों को इसके लिए सजग, सतर्क और सक्रिय, साथ ही आपस में सार्थक समन्वय भी कायम रखना होगा। आरा शहर के धनुपुरा में शनिवार की देर शाम एक निजी कार्यक्रम के दौरान आरा के सांसद सह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आरके सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में आए दिन हत्या होती रहती है। इसी क्षेत्र में करीब 4-5 महीने पहले 14 से 15 घंटे गोली चली थी, कितने लोग मर गए थे, लेकिन सरकार को कोई परवाह ही नहीं है। चिराग पासवान एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर भड़के हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लिबास की तरह गठबंधन बदलते रहते हैं। अगर वो इंडिया गठबंधन में रहते हैं तो एनडीए की तरफ झांकते हैं, वहीं एनडीए में रहने के दौरान महागठबंधन की ओर झांकते हैं, यह उनकी पुरानी आदत है। मुख्यमंत्री जनादेश को ठुकराते हुए अपनी मनमानी का गठबंधन करते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि आने वाले दिन में जदयू पार्टी शून्य पर आउट होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक बिहार की बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार सख्त फैसले ले रहे हैं। अपने फैसलों से केके पाठक शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को भी हैरान कर रहे हैं। इसी कड़ी में केके पाठक ने बिहार के शिक्षकों को लेकर एक नया फैसला लिया है। केके पाठक ने फैसला लिया है कि बच्चों को पढ़ाने में कमजोर शिक्षकों की पहचान कर उन्हें ट्रेंड किया जाएगा, ताकि डिपार्टमेंटल परीक्षा में उन्हें उत्तीर्ण हो सके। डाइट के जरिए ऐसे शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार में आज सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। पटना, गोपालगंज समेत कुछ जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता कम थी। भूकंप का केंद्र नेपाल के काठमांडू के पास था। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 5.3 मापी गई, जबकि गहराई 10 किलोमीटर नीचे रही। दरअसल मोतिहारी, छपरा, बगहा, सिवान और गोपालगंज समेत कई अन्य जिलों में भी झटके महसूस किए गए। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, तमाम लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। हालांकि अभी तक कहीं से भी जानमाल के क्षति की खबर नहीं आई है। बिहार उपचुनाव में जनसुराज के समर्थित उम्मीदवार की जीत के बाद प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। प्रशांत किशोर रविवार को सीतामढ़ी में जनसुराज पदयात्रा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनसुराज चुनाव लड़ नहीं सकता है, क्योंकि यह कोई दल नहीं है और न ही वे इसके नेता हैं। हालांकि उन्होंने इशारों में यह जरूर कहा कि उपचुनाव की तरह लोकसभा में भी उनके समर्थित प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं। बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में उच्च माध्यमिक के बचे हुए सभी 4 विषय और माध्यमिक के सभी 10 विषयों का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। माध्यमिक के 32,916 सीटों की वैकेंसी में
26,204 अभ्यर्थी ही शामिल हो सके। विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और सभी विषय में वैकेंसी के अनुरूप शिक्षक नहीं मिल सके। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी बीपीएससी के वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने बताया कि बीपीएससी 67वीं का फाइनल रिजल्ट महीने के अंत तक घोषित कर दिया जाएगा। बिहार में डेंगू के 337 नए मामले मिले हैं। बीते डेढ़ महीने से अधिक समय से पूरा बिहार डेंगू के चपेट में और राजधानी पटना हॉटस्पॉट बना हुआ है। बीते 24 घंटे में बिहार में डेंगू के पटना में सर्वाधिक 177 नए मामले मिले हैं। प्रदेश में पटना के अलावा भागलपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, वैशाली जैसे प्रदेश के सभी जिले डेंगू से प्रभावित है। प्रदेश में डेंगू के कुल ज्ञात मामलों की संख्या 12,819 हो चुकी है। इसमें पटना में ही डेंगू मरीजों की संख्या जो है वो 5,732 हो गई है। प्रदेश में अक्टूबर महीने में डेंगू के मामले कम होने की बजाय अब तक 6,084 मरीज मिले हैं। पटना जंक्शन के पास दो दिन पहले एक होटल में महिला कांस्टेबल की हुई हत्या की परतें अब खुलने लगी हैं। हत्या की जो वजह सामने आई है, आरोपी पति गजेंद्र के घर से उसकी डायरी के कुछ पन्ने मिले हैं। पत्नी शोभा के एक एसएसबी जवान ने प्रेम प्रसंग की कहानी लिखी हुई है। गजेंद्र के डायरी में लिखा है कि मेरी पत्नी शोभा कुमारी का प्रेम चल रहा है। उसका नाम धीरज कुमार है, जो सीतामढ़ी रूनी सैदपुर का रहने वाला है। ये एसएसबी में जॉब करता है। इसका ट्रेनिंग भोपाल में चल रहा था। दोनों मिलकर हमको धमकी देता था कि हम शादी कर लेंगे। बार बार टॉर्चर करता था। बोलती थी कि आपके पास हम नहीं रहेंगे, धीरज से शादी करेंगे। ज्यादा टॉर्चर हमको किया जाएगा तो आपको गोली मार देंगे। वहीं गजेंद्र ने पत्नी और उसके लवर धीरज कुमार का नंबर भी लिखा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।